नमस्कार, आप देख रहे विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। शुरुआत करेंगे दोपहर की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, देश में रहे या विदेश में, छठ के मौके पर घर लौटना कौन नहीं चाहता। छठ में घर आकर जो खुशी मिलती है, यह वही जानता है जो इस पर्व में शामिल होता है। शहर में काफी लोग विदेश में रहते हैं, इनमें से हर कोई प्रत्येक वर्ष छठ में घर नहीं आ पाता। कभी बच्चे की परीक्षा तो कभी काम से छुट्टी नहीं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्हें छठ पर घर नहीं आने का मलाल है। परिवार के लोग भी इस बात से उदास है कि बेटा या बेटी इस बार छठ में नहीं आ पाओ। यहाँ ऐसे ही लोग की यादें साझा की जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया में रहने वाली तपस्या चौबे मायके आकर छठ करती हैं, लेकिन किसी साल जब वह नहीं आ पाती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। परिवार के साथ अपने परिवेश में छठ करने की बात ही कुछ और है। तपस्या कहती है कि ससुराल में उन्होंने पहली बार 2006 में छठ किया था। उस वक्त वर्जीनिया में पोटोमैक नदी पर उन्होंने छठी मैया की पहला अर्घ्य दिया था। इसी वर्ष वहां भारतीय मूल के लोगों ने छठ करना शुरू किया था। छठ का अर्घ्य देते वक्त घर नहीं जाने के गम में आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद छठी मैया की कृपा हुई तो छठ में इंडिया आकर छठ करने लगी। 2019 तक घर पर ही आकर छठ करती थी, लेकिन कोरोना के कारण 3 वर्षों से घर नहीं जा सकी। इस बार भी यही छठ कर रही हूँ। किर्गिस्तान के ओश स्टेट यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही वैभवी प्रियांजलि भी इस बार छठ में घर नहीं आ पा रही हैं। कॉलेज में छुट्टी नहीं मिलने के कारण इस बार भी वे वही रहेंगी। वैभवी प्रियांजलि कहती हैं कि लॉकडाउन के समय घर पर छठ मनानी थी, लेकिन जब से कॉलेज खुला है घर जाना नहीं हो रहा है। छठ में अपने परिवार से बहुत मिस करती हूँ। वैभवी कहती है कि आज सपनों की तलाश में घर से दूर हूँ, लेकिन अपने संस्कृति और सभ्यता को कैसे भूल सकती हूँ। मेरे लिए छठ पूजा एक पूजा नहीं बल्कि एक परिवार का बड़ा उत्सव है। इसमें हम सभी भाई बहन, माँ पापा, बुआ फुआ सब एकत्रित होकर आस्था के साथ पूजा में शामिल होते हैं। सूर्य उपासना तथा छठी मैया की अर्चना का महापर्व छठ पूजा का प्रारंभ आज से नहाय खाय यानी कद्दू भात के साथ शुरू हो रही है। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा तथा उसके सुखद जीवन के लिए किया जाता है। छठ पूजा की महिमा अनंत है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवध को विवाह के काफी समय बीत जाने के बाद भी संतान नहीं हुई। इसके बाद राजा ने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यवस्था कही। तब जाकर महर्षि कश्यप ने राजा के संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। इसके बाद राजा को एक पुत्र तो हुआ, लेकिन बालक की कुछ ही पल में मौत हो गई। बेटे के वियोग में इतने दुखी थे कि वे भी अपने प्राण त्यागने लगे। तभी ब्राह्मण देव की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उनको पष्टी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद राजा की नियम पूर्वक पष्टी माता का व्रत किया, जिसके बाद राजा प्रियवत को एक स्वास्थ्य बालक की प्राप्ति हुई। बता दें कि छठ को लेकर कई और लोक कथाएं प्रचलित है। दूसरी बड़ी खबर, धौलपुर में एक व्यक्ति ने चाचा भतीजे के रिश्ते में शर्मसार किया है। एक गाँव में चाचा अपने 16 साल की नाबालिग भतीजे के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। प्रीता चाचा पुकारती रही, लेकिन दरिंदा चाचा ने शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। प्रीता किसी तरह घर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई शर्मनाक घटना की आप बीती अपनी मां को बताई। इसके बाद महिला अपनी पुत्री के साथ लेकर महिला पुलिस थाना पर पहुंची और आरोपी बनी सिंह को खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पीड़ित नाबालिग की मां ने महिला पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाला उसका मुंह बोला देवर बने सिंह 17 अक्टूबर को उसके घर आया था। वह उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले गया। आरोपी अपनी भतीजी को 18 अक्टूबर को करौली जिले में ले गया, जहां रात को नाबालिग को धोखे से शराब पिला दी और उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। रिपोर्ट में पीड़िता की मां ने बताया कि जब उसकी पुत्री घर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई घटना की आबीती बताई। प्रकरण को लेकर महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया शहर की एक महिला ने नाबालिग पुत्री के साथ आज दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जिला अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया। SCC ST एक्ट के साथ पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं को दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच CO सुरेश खांगला कर रहे हैं। जिला महिला थाना पुलिस पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी दरिंदे चाचा के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़।